ऑन हो गया। अच्छा सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, चलो ठीक है स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी नहीं पता कौन सा चैनल है ये, जो कि भाई का चैनल नहीं, भाई तेरा ही है। मैं ये वही बात होगी फिर से। ठीक है ठीक है। सो टाइटल देख लिया है तो अभी हम आज जो हमारा BTS है, बिहाइंड द सीन है, जो हमने पूरा बनाया था इस वीडियो का, जो अपना करवट म्यूजिक वीडियो था उसका, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बात करेंगे, कुछ क्लिप्स दिखाएंगे आपको जो बहुत ही एक्सट्रीमली फनी होने वाली है, और कुछ थोड़ा एडवाइजरी कंटेंट बोलूंगा, जैसे मैं थोड़ा वो भी है। तो जैसे आपने करवट की वीडियो टीवियों पे चलाया, लैपटॉप पे चलाया, फैमिली के साथ बैठ के चलाई, इस वीडियो को कोशिश करनी है तो अकेले में देखो या फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना, उसके बाद मेरा कोई हाथ नहीं है उसमें। सो अभी हमने जो स्टार्टिंग की थी आपने म्यूज़िक वीडियो की साइड 21 या 22 को स्टार्ट की थी नवंबर में, और हमारा प्लान था 8-10 दिन के अंदर ये वीडियो लाना, तो वैसा हुआ भी, थोड़ा जल्दी आया था, लेकिन थोड़ा कुछ परेशानी हो गई थी, तबीयत वगैरह, सो काफ़ी चीज़ें भी होती हैं घर में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहली क्लिप से, जो पहली क्लिप है कि कैसे हमने स्टार्ट किया। सो लेट्स गो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज बाइक वर्स एंड हियर वी आर इन अनदर वीडियो। तो ये जो व्लॉग है ये एक BTS होने वाला है। BTS किसका होने वाला है वो आपको मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दूंगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दोगे तो आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिल जाएंगे सारे। बट फिर भी एक हल्का फुल्का एक म्यूज़िक वीडियो हो सकता है, सॉन्ग वीडियो हो सकता है, वो आने वाला है हमारा। पीछे देखो जोगी भाई है, जोगी भाई को आप जानते हो, एंड हमारे साथ दो और क्रू मेम्बर्स, हार्दिक एंड आशु भाई, तो ये दोनों साथ में। एंड अभी हम जा रहे हैं एक स्पॉट पे फॉर द शूट। बिल्कुल रास्ते का आइडिया बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और ना ही कहीं खुली खुली जगह दिख रही है जिस हिसाब से हमने सोचा है वहाँ पे। नहीं नहीं ये भी ठीक है, नहीं ये ठीक है, लेकिन नहीं मुझे वही जगह चाहिए जहाँ पेड़ ना हो। चलो, 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 चलो। यार, अरे इधर से पता नहीं कहाँ है, इधर के लेना वो तो फिर खाकर से ऊपर आंदे, ये देख हम कहाँ पे आ गए, खाक रहे क्यों आ गए हम, इधर के ले यार जो को। वहाँ लोग भी हैं। तो फाइनली हम डेस्टिनेशन के करीब हैं गूगल माता की हेल्प से। लो आशु भाई, अबे यार ये कोई मना कर रहा है यार, खेत तो नहीं है, खेत थोड़े ना वो चराने के लिए भाई वहाँ। पर बात ये है, और यहाँ से काफी एपिक व्यू, शानदार, बहुत बहुत शानदार, बहुत ही शानदार व्यू। देखो अब रास्ता नीचे था मेरे ख्याल से, हो गया अब नीचे। देखो ये ठीक है, अरे सर गाली मत दो सर, सर गाली क्यों दे रहे हो सर, हो गया छांटे दांत वाली के लड़के भाई कसम से यार मैं सोच रहा था ये डालने के लिए अब इसमें बीप बीप करना पड़ेगा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हो गया? तो हुआ ये था कि हम लोगों ने 21 को ट्रेलर रिकॉर्ड किया था, और 21 को रिकॉर्ड करने के बाद 22 और 23 को शायद से एडिट किया होगा, और उसके बाद हम लोगों ने ये YouTube पर डाल दिया था। उस टाइम पर हमारी जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो सिर्फ ट्रेलर तक की हुई थी, हमको नहीं पता था हमारा कंटेंट आगे कैसा बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, बट इतना कॉन्फिडेंस था कि यार चलो डाल देते हैं, क्योंकि एक होती है ना कि चुल होती है अंदर से कि इतना तो करना ही है, तो वो थी मेरे अंदर, मैंने बोला कि यार ट्रेलर डाल देते हैं। इनफैक्ट ये हुआ था कि हमने ट्रेलर डाला और लास्ट में मैंने उसमें 1 December लिख दिया छोटा सा खुद से एडिट करके, और फिर हमको एक डेडलाइन भी मिल गई थी कि यार 1 December तक ये काम पूरा का पूरा हमको चाहिए। मतलब जब ट्रेलर पड़ा था उस टाइम तक हमारे पास सच कोई कंटेंट, मतलब सच कोई हमारे पास विजुअलाइजेशन नहीं थी, नहीं थी, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं था उसके बाद। ये भी हमने ट्रेलर के बेस पर नहीं बनाया था, हमने बस बनाया था एक वीडियो कि हाँ, exactly, बट फाइनली हाँ। जो आउटकम निकला उस पर हमने ये डील की कि चलो, मतलब डील मतलब ये फाइनल किया कि हाँ इस पर हम ट्रेलर बना सकते हैं। सो फिर अब सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा था जो ये ट्रेलर वगैरह जो पूरी वीडियो थी वो मेरे लिए एक चैलेंज आ रहा था, क्योंकि इसमें जो इन फ्रेम में था वो मैंने होना था एज अ
जो एक्ट कर रहा था वीडियो में वो मैं कर रहा था, और जो मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं उनको अभी इतना है नहीं गिम्बल और DSLR वगैरह के क्या होता है कैसा नहीं होता है। तो मतलब मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी था समझाना कि कैसे गिम्बल को हैंडल करो, कैसे DSLR को हैंडल करो, कैसे शॉर्ट्स लो, डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हाँ, अगर बिहाइंड द कैमरा मैं होता, मेरे पास होता, तो बातें काफ़ी ईजी हो सकती थी। बट फिर भी जितना भी किया पूरे क्रू ने, जो करवट का पूरा क्रू था, वो बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स आया। ऐसा मत समझना कि अगर डायरेक्ट मैंने किया, एडिट मैंने किया, तो केवल मेरी मेहनत है, डायरेक्टर केवल मैं ही हूँ। वो लास्ट में लिखता ना, बस एक फॉर्मेलिटी होती है एक्चुअली, क्योंकि हर चीज़ का एक हेड बनाना पड़ता है कि हाँ ये हेड है, डायरेक्शन ये देगा तो ये चीज़ का हेड है। लेकिन जब 5 से 6 लोग होते हैं पूरी वीडियो में, तो केवल एक बंदे की नहीं चलती है डायरेक्शन, केवल एक बंदा नहीं देता। जब हम 5-6 बंदे थे, हम 5-6 बंदों ने एक आउटकम निकाला, एक आउटपुट निकाला जो सबको पसंद आया, फिर हमने उस हिसाब से शॉट लिया। तो ये काफ़ी चीज़ें थी इस करवट के जो म्यूज़िक प्रोडक्शन था या म्यूज़िक वीडियो का जो प्रोडक्शन था उसमें थी। फिर चैलेंजिंग काफ़ी था, मेरा पहला म्यूज़िक शूट था ये, पहली बार कर रहा था मैं। इससे पहले मैंने ऑटोमोबाइल्स के किए हैं, आपको पता है मेरा यूट्यूब मोटो ब्लॉगिंग है, सब डालता हूँ मैं बाइक्स वगैरह के बारे में। तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिला कि ये चीज़ और मोटो ब्लॉगिंग और जो म्यूज़िक वीडियो होती हैं, ये इनको बनाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो अभी देखो आगे क्या क्या हमने वीडियो बनाई, और बहुत ही फनी मोमेंट्स हैं, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सांकरी की चारी, सांकरी की चारी। बल्द भी चौर रहे हैं, बल्द भी चौर रहे हैं यहाँ, बल्द भी चौर रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं, ब्लॉग हो रहा है भाई। तीन लौंडे, कितनी बार बोला है ब्लॉग में जब रहता हूँ हेलमेट ना पहना करूँ, सारा सालों हेलमेट। और ये चरवा, यो भूषण का छोटा भाई। हार्दिक को है ये हमारी तरफ से गिफ्ट, टट्टा क्या बोलो, टट्टा। मत कर रहे, इतना क्लोज, मेरे इतना भी करीब मत आओ। ए बाबा, मैं मुंह पे पाद मार दूंगा अबे साले। तो फाइनली टीजर का जितना भी शूट था कंप्लीट हो गया। अभी टाइम हो रहा है 12 बजे, 9 बजे का राउंड निकले थे, 2-2.5 घंटे लग गए। ये टीजर था, अच्छा ये टीजर था, ये गिरना गिराना मत, हेलमेट नहीं गिरता। तो यार मतलब देखते हैं शाम, ये कल शाम तक आपको ये अपलोड हम कर देंगे, और आज इंस्टाग्राम पे शाम को अनाउंसमेंट होगी, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो एक हल्का फुल्का पोस्टर हम भी बना लेंगे भाई, कितना यार फॉलोवर हो गए हैं बधाई हो तेरे भाई। मैंने माँ को समझा, स्वाइप अप कर देंगे हम, स्वाइप अप। मैंने इतना टाइम से नहीं चला रखी ना वो वाली आईडी, मैं चलाते ही नहीं, मेरे को पता है। बेलर वाली नहीं, नहीं बेलर वाली चलो, बेलर वाली चलाता है खाली। बेलोर रे बेलोर, ये भगतन मार गाली रे, पत्थर ले तो